हिमाचल प्रदेश के स्वर्मय परिदृश्यों के बीच चंबा शहर के मध्य में स्थित भूरी सिंह संग्रहालय स्थित है। 1908 में स्थापित ये संग्रहालय चंबा राज्य की असाधारण समृद्ध सांस्कृतिक विरासत के संरक्षक के रूप में कार्य करता है। पूर्ववर्ती चंबा राज्य के दयालु शासक राजा भूरी सिंह ने इस सांस्कृतिक खजाने की स्थापना के लिए अपने विरासत में मिले कला संग्रह को उपहार में देकर महत्वपूर्ण योगदान दिया। डॉक्टर पीएच बुगेल ने अपनी अपार विशेषज्ञता के साथ अमूल्य सेवाएं प्रदान करते हुए संग्रहालय की स्थापना में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। भूरी सिंह संग्रहालय ने क्लब के नाम से ज्ञात एक पुरानी लकड़ी की संरचना के दायरे में अपनी यात्रा शुरू की। हालांकि जैसे जैसे समय बीतता गया और अन्वेषण, उपहार और अधिग्रहण के माध्यम से संग्रह का विस्तार जारी रहा, एक नई अधिक विशाल इमारत की आवश्यकता स्पष्ट हो गई। इससे वर्तमान संग्रहालय भवन का निर्माण हुआ, जो हिमाचल प्रदेश राज्य सरकार द्वारा शुरू की गई एक परियोजना थी। इसे अंततः 1985 में जनता के लिए खोल दिया गया, जिससे इसके खजाने को व्यापक दर्शकों के सामने उजागर किया गया। संग्रहालय में 8,500 से अधिक पुरावशेषों और कला वस्तुओं की एक आश्चर्यजनक श्रृंखला है, जिनमें से प्रत्येक क्षेत्र की कला, पुरातत्व, शिल्प और सांस्कृतिक नृविज्ञान का प्रमाण है। जबकि संग्रहालय चंबा की कला और संस्कृति पर प्राथमिक ध्यान केंद्रित रखता है। ये तुलनात्मक अध्ययन की भावना को बढ़ावा देते हुए अन्य क्षेत्रों की कला वस्तुओं को उदारतापूर्वक प्रदर्शित करता है। चंबा कला की गैलरी। ये गैलरी आगंतुकों को चंबा क्षेत्र की कलात्मक टेपेस्ट्री में डुबो देती है। यहाँ की कला शैली पर पड़ोसी कश्मीर क्षेत्र का अमिट प्रभाव है। इस गैलरी के भीतर आपको सूर्य और विष्णु जैसे देवताओं को चित्रित करने वाली पत्थर की मूर्तियां, साथ ही सिद्ध और समर्पित अनुयायियों को चित्रित करने वाली कांस्य मूर्तियां मिलेंगी। विशेष रूप से इसमें विश्व प्रसिद्ध चंबा रुमाल भी है। इसके अलावा ये गैलरी रंग महल चंबा से प्राप्त दीवार चित्रों, चंबा लघु चित्रों, लकड़ी की नकाशी और हथियारों की एक आकर्षक श्रृंखला से सजी है। साथ में ये प्रदर्शनियां चंबा के सांस्कृतिक इतिहास का एक व्यापक दृश्य प्रदान करती हैं, एक गहन अनुभव प्रदान करती हैं। पुरातत्व गैलरी। ये गैलरी पत्थर की मूर्तियों, स्मारक पत्थरों और टेराकोटा कलाकृतियों का मनोरम प्रदर्शन प्रस्तुत करती है। विशेष रूप से दिलचस्प है चंबा के स्मारक पत्थर, जिनमें से प्रत्येक को जटिल रूप से कमल के गोले, घुमावदार लताएं और चलने वाले हाथी, घुड़सवार और पैदल सैनिकों जैसी प्रतीकात्मक आकृतियों से सजाया गया है। ये स्मारक पत्थर न केवल क्षेत्र की कलात्मक सुंदरता को उजागर करते हैं, बल्कि आवश्यक ऐतिहासिक रिकॉर्ड के रूप में भी काम करते हैं। वे धार्मिक मान्यताओं, आर्थिक स्थितियों और समाज के सामाजिक ताने बाने पर प्रकाश डालते हैं। ये पत्थर जल स्रोतों के पास पाए जाने वाले अनोखे पनघट शिलाओं का भी प्रमाण है, जो उनके ऐतिहासिक महत्व को बढ़ाते हैं। हाटकोटी, सिरमौर और राज्य के अन्य हिस्सों की मूर्तियां भी प्रदर्शन पर हैं, जो कला की कश्मीरी शैली के विपरीत प्रतिहार शैली का उदाहरण है। इसके अतिरिक्त मथुरा स्कूल की कुछ मूर्तियां इस गैलरी की शोभा बढ़ाती हैं, जो कला विकास की एक आकर्षक झलक प्रदान करती है। गैलरी में शुंग, कुषाण और गुप्त काल के टेराकोटा भी शामिल हैं। पेंटिंग गैलरी। लघु चित्र कला की कला भारत की ओर से विश्व को एक अनमोल उपहार है, और ये गैलरी इसके वैभव का सच्चा प्रमाण है। पर्यटक प्रसिद्ध बसौली, चंबा, गुलेर और कांगड़ा स्कूलों सहित विभिन्न पहाड़ी स्कूलों की पेंटिंग देखकर आश्चर्यचकित हो सकते हैं। ये स्कूल 17वीं से 19वीं सदी तक पश्चिमी हिमालय के पहाड़ी राज्यों में फले फूले।
इन उत्कृष्ट चित्रों के विषय मुख्य रूप से महाकाव्यों, पुराणों, गीता गोविंद, बिहारी सतसई, बारामासा और रोमांटिक कविता के इर्द गिर्द घूमते हैं। गैलरी में भगवत पुराण, रामायण, उषा अनिरुद्ध, रुक्मणी मंगल, सुदामा चरित और हमीर हट श्रृंखला के दृश्यों को दर्शाने वाली पेंटिंग प्रदर्शित की गई है। प्रत्येक पेंटिंग क्षेत्र की समृद्ध सांस्कृतिक और कलात्मक विरासत में एक खिड़की प्रदान करती है। मुद्रा शास्त्र अनुभाग कालानुक्रमित रूप से व्यवस्थित प्राचीन और मध्ययुगीन सिक्कों के माध्यम से एक आकर्षक यात्रा प्रस्तुत करता है। सिक्के अमूल्य ऐतिहासिक कलाकृतियों के रूप में काम करते हैं, जो अपने अपने युगों की राजनीतिक, आर्थिक और सामाजिक गतिशीलता पर प्रकाश डालते हैं। प्रदर्शनी में पंचमार्क सिक्के, कुनिंदा सिक्के, इंडो ग्रीक सिक्के, गुप्त सिक्के, मुगल सिक्के और स्थानीय शासकों के सिक्के शामिल हैं। ये एक दृश्य इतिहास का पाठ है, जो जानकारी पूर्ण और मनोरम दोनों है। पुरालेख गैलरी। पुरालेख गैलरी में पत्थर और धातु पर शिलालेखों का एक विविध संग्रह है। ये शिलालेख अमूल्य ऐतिहासिक अभिलेखों के रूप में काम करते हैं, जो एक सहस्त्रावधि तक फैले हुए हैं और इतिहास के विभिन्न पहलुओं में अंतर्दृष्टि प्रदान करते हैं। इनमें से अधिकांश शिलालेख तांबे की प्लेटों पर पाए जाते हैं, जिनमें भूमि अनुदान और संधियों का विवरण दिया गया है। इन्हें शारदा और टांकरी जैसी लिपियों में अंकित किया गया है। शिलालेखों के अलावा गैलरी टांकरी और फारसी में आवश्यक पांडुलिपियों और कागजी दस्तावेजों को प्रस्तुत करती है, जो चंबा शासकों के अभिलेखागार से प्राप्त की गई है। ये दस्तावेज चंबा के राजा, मुगलों और दुरानों सहित उनके अधिपतियों के बीच संबंधों के बारे में पर्याप्त जानकारी प्रदान करते हैं। इसके अलावा प्राचीन हथियार, आभूषण और चंबा की जनजातियों की पारंपरिक पोशाकें प्रदर्शित की गई हैं, जो क्षेत्र के इतिहास और संस्कृति का व्यापक दृश्य प्रदान करती हैं। चंबा का भूरी सिंह संग्रहालय न केवल कला और पुरावशेषों के भंडार के रूप में, बल्कि हिमाचल की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत के जीवंत प्रमाण के रूप में खड़ा है। अपने विविध संग्रहों, ज्ञानवर्धक दीर्घाओं और गहरे ऐतिहासिक महत्व के साथ ये आगंतुकों को इस क्षेत्र के कलात्मक, ऐतिहासिक और सांस्कृतिक खजाने से जुड़ने का एक अनूठा अवसर प्रदान करता है। इस संग्रहालय की यात्रा केवल एक यात्रा नहीं है, बल्कि समय के माध्यम से एक मनोरम यात्रा है। चंबा के जीवंत अतीत की विरासत की सराहना और सम्मान करने का मौका है। चंबा हिमाचल प्रदेश के भूरी सिंह संग्रहालय के माध्यम से इस यात्रा में हमारे साथ शामिल होने के लिए धन्यवाद। आपका समर्थन बहुत मायने रखता है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो कृपया इसे लाइक और शेयर करें। अधिक रोमांचक वीडियोस के लिए बने रहें। धन्यवाद।